यूपी के गाजियाबाद के बाद नोएडा में भी कोरोना ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया। नोएडा में 13 छात्रों और 3 शिक्षकों के संक्रमित पाए जाने पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, गुजरात और मिजोरम समेत 5 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को पत्र लिखा है। इस पत्र में संक्रमण की रोकथाम के लिए निगरानी लगातार बनाए रखने और कोरोना प्रबंधन के तुरंत और प्रभावी उपाय अख्तियार करने के निर्देश दिए गए हैं। इन राज्यों को कहा गया है कि कोरोना की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए 5 सूत्रीय रणनीति टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोरोना से संबंधित सही व्यवहार अपनाने की जरूरत है। वहीं इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना के नए स्वरूप एक्सी पर देश के प्रमुख विशेषज्ञों की बैठक की। मांडविया ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के नए स्वरूप एक्सी को लेकर निगरानी तथा सतर्कता और बढ़ाने का निर्देश दिया। एक विषय हमें हमेशा याद रखना होगा, कोविड कंट्रोल में है लेकिन कोविड गया नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें प्रिकॉशन रखना है। और इसलिए मैंने कहा कि रेगुलर पहले हर दिन सुबह में 9:30 मेरी मीटिंग होती थी, अभी वीकली मीटिंग कंटिन्यूस होती रहती है। उसमें हम सर्वेलेंस पर ध्यान देते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देते हैं, उसमें समय समय पर स्टेट को एडवाइजरी डिक्लेयर करते हैं, वैक्सीनेशन की स्थिति देखते रहते हैं और मेडिसिन की भी स्थिति देखते रहते हैं। वही खबरों के मुताबिक गुजरात में कोरोना के मामलों में 89%, हरियाणा में 50 और दिल्ली में 26% की बढ़ोतरी हुई है। गुजरात में पिछले 3 दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है। इस हफ्ते 110 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले हफ्ते सिर्फ 61 मामले ही सामने आए थे, यानी संक्रमण के मामलों में 89% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं हरियाणा में भी इस हफ्ते 514 मामले सामने आए, जबकि पिछली बार सिर्फ 344 केसेज ही आए थे। तो दिल्ली में 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच 943 केसेज नजर में आए हैं, जो पिछले हफ्ते के 751 केसेस के मुकाबले 26% ज्यादा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में संक्रमण की दर भी 2.7 पर पहुंच गई है, जो 2 महीने में सबसे ज्यादा है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये फिलहाल चिंता की बात नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सरकार की नजर इस पर है, जब भी जरूरत होगी सरकार की ओर से उचित कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर नजर रखे हुए, अगर किसी भी तरह की चिंता की जरूरत होगी अगर कोई भी, तो हम सारे स्टेप्स उठाएंगे। अभी घबराने की कोई खास बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। दरअसल केजरीवाल हिमाचल और गुजरात चुनाव प्रचार में मशगूल हैं, तो पंजाब में अधिकारियों संग बैठक में शिरकत पर विपक्षी दलों ने नाराजगी जताई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी केजरीवाल की ही बात दोहराते नजर आ रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क हो गए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर हालात की निगरानी रखने के निर्देश दिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बढ़ते संक्रमण के बीच ट्वीट कर लिखा कि कोरोना से लड़ाई में 130 करोड़ देशवासियों ने जिस संकल्प शक्ति का परिचय दिया है, वो नए भारत के सामर्थ्य की पहचान है। वहीं कानपुर आईआईटी की रिसर्च के मुताबिक 22 जून तक देश में कोरोना की चौथी लहर आने का अंदेशा जताया गया है। शोध के मुताबिक 4 महीने तक बने रहने के बाद 23 अगस्त को चौथी लहर पीक पर पहुंच सकती है। इस रिसर्च के मुताबिक 24 अक्टूबर तक चौथी लहर के खत्म होने के आसार हैं। गणनाओं के मुताबिक कहा गया था कि भारत में कोरोना का पहला केस आने के बाद 936 दिन बाद चौथी लहर शुरू हो सकती है, जबकि देश में आधिकारिक तौर पर कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। समझा जा रहा है कि चौथी लहर के पीछे नए वेरिएंट एक्सी का हाथ हो सकता है, लेकिन पिछले वेरिएंट के मुकाबले कई गुना संक्रमण होने के बावजूद इस वेरिएंट की घात कथा को लेकर सभी वैज्ञानिकों की स्पष्ट राय नहीं बन पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।